सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे लोनावला शहर में सोमवार की सुबह शिवसेना के पूर्व शहर प्रमुख राहुल शेट्टी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस मामले में लोनावला पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मुख्य हमलावर समेत अन्य दो आरोपियों को दबोचने में सफलता मिली है। उनके नाम इब्राहिम यूसुफ खान और मोहन उफ थापा देव बहादुर मल्ला है। शेट्टी हत्याकांड के मामले में इससे पहले पुलिस ने सूरज अग्रवाल और दीपाली भिल्लारे नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। इस वारदात को लेकर उनके समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ लोनावला पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ राहुल शेट्टी की पत्नी सौम्या शेट्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। अब मुख्य हमलावर के साथ दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोनावला उप विभाग के सहायक पुलिस अधीक्षक नवनीत कामत ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने फायरिंग और कुल्हाड़ी से वार कर शेट्टी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि आरोपियों में हत्या किस वारदात को क्यों और किसके कहने पर अंजाम दिया, इसके पीछे कोई सियासी साजिश तो नहीं, ये भी जांच की जा रही है। 26 तारीख को ये जो घटना घटी थी लोनावला में, राहुल शेट्टी का जो मर्डर हुआ है सुबह 9:30 बजे, उसके बाद हमने राहुल शेट्टी की जो वाइफ है उनकी हमने तकरार लेके हमने उसमें FIR दाखिल करी, और उनकी तकरार के अकॉर्डिंग हमने सूरज अग्रवाल और दीपाली भिल्लारे को हमने उसी दिन अरेस्ट किया था, और उनको हमने अभी तक हमारे पास 31 अक्टूबर तक की पुलिस कस्टडी है उनकी। मानने की बात इसमें यह है कि जो CCTV में प्राइमरी फुटेज हमें मिली थी और जो प्राइमरी आपका सीन ऑफ क्राइम पे ये पता पड़ा था कि ये वेपन फायरआर्म का इस्तेमाल करके ये मर्डर किया गया है, तो वो जरूरी था कि जिसने इसका जो उस पर जो मेन अक्यूज है, जिसने फायरआर्म का इस्तेमाल करके मर्डर किया है, उसको हम जल्दी से जल्दी इसमें अरेस्ट करें। तो इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत ही प्राउड है कि हमारे IG सर और हमारे SP सर, एडिशनल SP सर, इन सब के नेतृत्व में लोनावला सिटी पुलिस और हमारी LCB आपके पुलिस निरीक्षक यादव, सूर्यवंशी, खोसर, सुरवसे, मोरे, मदने, मिस्त्री, खैरे, कराड, और ये सब लोगों ने मिलके 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड टाइम पे 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उस जो मेन अक्यूज है जिसने फायरआर्म का इस्तेमाल किया था उसका शोध किया, और हमने उसे पुणे से तबियत में लेने के बाद प्राथमिक चौकसी करने के बाद कल शाम में उन दोनों को अरेस्ट किया, जिसमें हमारे पास जो मेन फायरआर्म का शूटर है और उसके साथ जो एक साथीदार है, ये दोनों हमारे तबियत में हैं। इनका नाम है इब्राहिम यूसुफ खान, रहने वाला हड़पसर पुणे, और दूसरा है मोहन उर्फ थापा देव बहादुर मल्ला, रहने वाला बैटरी हिल खंडाला, जिला पुणे। अभी तक की प्राथमिक चौकसी के दौरान इसमें ये कहना तो मुश्किल होगा कि इसमें क्या रीज़न इन्वॉल्व थे, तो जो हमारे पास पुलिस कस्टडी में आगे टाइम आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे कि इसमें मेन पर्पस क्या था, किसी ने इस चीज़ की आपको सुपारी दी थी कि नहीं दी थी, इस समय पर कहना ये चीज़ मुश्किल है। अभी भी 3 आरोपी हमारे को अरेस्ट करना बाकी है, उसको उनके लिए भी हमारी टीम अलग अलग जगह पे उस चीज की इन्फॉर्मेशन ले रही है, और जल्दी से हम उनको भी तादाद में लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, लोनावला, महाराष्ट्र।